पंजाब पुलिस ने जानबूझ के प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका। पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अलाउड किया कि वो स्थान पर पहुंचे जहां से पीएम मोदी का काफिला निकला था, और साथ ही साथ पंजाब पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की, इन सभी बातों का जवाब मिल गया है। इंडिया टुडे न्यूज़ ग्रुप ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है पंजाब के एक SHO का, जिसमें यह बात साफ हो गई है कि पीएम मोदी के काफिले को रोकने के लिए न सिर्फ साजिश की गई बल्कि उन सभी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न करने के कड़े आदेश ऊपर से दिए गए थे। जी हां, पंजाब सरकार किस तरह से पीएम मोदी की नहीं होने देना चाहती थी, यह अब साफ हो गया है। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि पंजाब सरकार लगातार ये कह रही है कि पंजाब सरकार ने कोई भी गलती नहीं की है। इस पूरे मामले में पहले ही संदिग्ध चीज़ें सामने आ चुकी हैं। DGP एब्सेंट थे, कलेक्टर एब्सेंट थे, होम मिनिस्टर एब्सेंट थे और गृह सचिव एब्सेंट थे, और अगर बात की जाए चीफ मिनिस्टर की तो चीफ मिनिस्टर का भी कहीं कोई अता पता नहीं था। रिहर्सल हुई, सारी चीज़ों की डिटेल दी गई, बावजूद इसके पीएम मोदी के काफिले को प्रोटेक्शन जानबूझकर नहीं दी गई। इसके पीछे की जिम्मेदारी हाल फिलहाल पंजाब सरकार नहीं ले रही है, लेकिन जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और जो वीडियो सामने आया है उससे ये क्लियर हो गया है कि पंजाब सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है। पंजाब सरकार किसी भी तरह से पीएम मोदी की रैली को पंजाब में नहीं होने देना चाहती ताकि वहाँ पर BJP किसी भी तरह से सत्ता में आ जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में ये पहली बार किसी पार्टी ने कोई ऐसा तरीका निकाला है जिस तरीके से बिना चुनाव लड़े किस तरह से किसी को हराया जा सकता है। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।